ये आज से नहीं, इस इलाके के एक प्रतिष्ठित गांव के रूप में जाना जाता है। और हम तो बगल के रहने वाले हैं, जब छोटा था तब से हम लोग इस गांव में आते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से आज इस मंच को उद्घाटन करने का मौका मिलता है, तो इसका अगर पूरा श्रेय है तो आप तमाम जनता का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। साथियों, शिक्षा के सवाल पर काफी देर से चर्चाएं हो रही है। हम अपने लोगों को भी, अपने को भी उस चीज को उतारना है कि मेरा बाल बच्चा कितना पढ़ रहा है। इसलिए मैं जलालपुर के लोगों को चरणों में नमन करके इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, रही बात बात समाज की सेवा की, तो हम लोग 95 में आदरणीय नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सिपाही के रूप में काम करना शुरू किया। और काम करते करते आज आपके बीच में खड़ा है। और हमेशा ही प्रयास रहता है कि जिस विचारधारा से नीतीश कुमार जी बिहार का विकास करते हैं, उसी विचारधारा से, उसी पदचिन्ह पर चलकर करगहर का मैं विकास करूं, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं और दिन रात मैं आपके सेवा में खड़ा रहता हूं। जहां लोग ढूंढता है वहीं मैं प्रयास करता हूं आपके बीच में रहने का। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह पॉलिटिकल मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। लेकिन जब से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद प्यार से दिया, तब से आज तक चैन का नींद नहीं लेता हूं। साथ मेरा प्रयास रहता है कि कोई आदमी मुझसे नाराज न हो जाए। ये प्रयास करता हूं कि जनता का जो डिमांड है उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, चाहे सुरक्षा की सवाल हो, सब चीजों पर प्रयास करते हैं और प्रयास का रिजल्ट भी आपके सामने है। चाहे सिंचाई हो किसानों के लिए, चाहे नहर की खुदाई हो, चाहे पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल के मामला हो, सब चीजों पर हम लोग लगे हुए। और हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिन रात बिहार की जनता के लिए खिदमत में काम करते हैं। कुछ चीजें आती है तो आती है तो नीतीश कुमार जी की जो काम किए हैं उसकी प्रशंसा को बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर कोई एक तो कहीं भूल हो जाती है उसी को सारे मीडिया से लेकर सब लोग प्रचारित करते हैं। से चल रही सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, इस डांस का उद्घाटन जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह ने किया। सबसे अहम बात यह है कि रोहतास जिले के करहगढ़ के जलालपुर में पटेल नवयुवक संघ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर द ग्रेट बरखा थिएटर म्यूजिकल ग्रुप के नर्तकियों के द्वारा जमकर रात भर ठुमके लगे, जिसके बाद अफसरों के ऊपर ऐसे अश्लील डांस को रोकने की जिम्मेदारी है। लेकिन जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह तथा मुखिया संघ के अध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि सरोज कुमार सिंह, जदयू प्रखंड मनोज कुमार सिंह सहित कई नेता मंच पर फीता काटते हुए मौजूद रहे। पिछले कई वर्षों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पटेल नवयुवक संघ के द्वारा इस तरह का नृत्य कराया जा रहा है। अवैध रूप से चल रही इस नुमाइश में जिले के कई नेता मौजूद रहे। इतना ही नहीं, जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह ने द ग्रेट बरखा थिएटर म्यूजिकल ग्रुप का फीता काटकर उद्घाटन भी किया है। वहीं आपको बता दें कि कई अफसरों और नेताओं ने भी रात भर जमकर इस तरह के डांस का मजा लिया, जबकि बाहर से बुलाए गए डांसरों पर दर्शकों ने जमकर रुपए भी लुटाए गए।